वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम नीरज झा, योर केमिस्ट्री फैकल्टी. आई वेलकम यू फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टाफ एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ आर्यभट्ट जूनियर साइंस स्कूल और ABJC. वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स टू सपोर्ट योर स्टडी. ओके, and in this series you will be receiving our first video lecture on chemistry, and gradually the other lectures on all the subjects will be provided. So this is your first introduction, or this is your first class in plus 2 syllabus. Okay, you are getting introduced, you will be getting introduced to plus 2 syllabus. So this is it's a new world, new journey. You have started your senior secondary schooling now, and things will change. Okay, all of bostu bilak change hobo, thik ase na? Thik ase, all of keta man bostu tumaloke notun ke paba, notun notun bhal bhal duniya bostu ahibo, you will enjoy. Etia porhatu olop amar ki hobo, spread hoi jabo, ela ami broad spectrum ot bostu bilak porhim sam. And the most important thing, you guys have chosen science. Okay, so I assume that you are all very very passionate about this subject, physics, chemistry, mathematics, biology and other science subjects, and I hope that together with all the faculty members and all the students we will enjoy these 2 years. Okay, so all the teacher, all the faculty members of our college are very very supportive. Okay, you will get all the assistance, all the support that you need to score well, to do well in your life. So first of all, best of luck to all of you guys. Okay, now we will start with chemistry. Okay, so केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, रसायन. ओके, तो इससे पहले जूनियर लेवल पे आपने, आई विल यूज ऑल द लैंग्वेज, ओके, आई विल मिक्स इट अप. तो इससे पहले आप लोगों ने जो साइंस पढ़ा, तो आप लोगों ने एज ए साइंस एक सब्जेक्ट पढ़ा है ना. ओके, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका साइंस था जिसके अंदर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ा, और मैथमेटिक्स आपने इसके साथ अलग से पढ़ा है प्लस टू लेवल तक. ओके, सॉरी, क्लास टेंथ लेवल तक. बट एज सून एज यू स्टेप अप इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, दैट मीन्स प्लस टू सिलेबस, नाउ योर courses will get split up. Okay, maths will remain as maths, but science will be divided in 3 subjects: physics, chemistry and biology. Biology is further divided in botany and zoology. Okay, and they will carry equal marks. So I, नीरज झा, विल बी टेकिंग योर केमिस्ट्री क्लासेस. ओके, आई विल बी टेकिंग योर केमिस्ट्री क्लासेस. सो इन दिस फर्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द सिलेबस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सिलेबस. ओके, और हाउ वी स्टडी, और हाउ वी विल स्टडी इन प्लस टू पैटर्न. ओके, बिकॉज वॉट विल हैपन, यू नो, नाउ थिंग्स विल डाइवर्ज. ओके, डाइवर्ज मीन्स अब तक आपने जो केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ा वो बहुत लिमिटेड स्कोप में था, ठीक है, और अब जो आप HS सिलेबस में आके फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ पर हम बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है, डिटेल्ड में पढ़ेंगे. और अब से आप लोगों ने क्लास 10th या 9th के सिलेबस में जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, और लेकिन वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो उनका बहुत लिमिटेड ही एक
पार्ट होता है, हिस्सा होता है पूरे सिलेबस में, ठीक है। बट जैसे ही हम हायर सेकेंडरी सेक्शंस में आते हैं तो मैथमेटिकल पार्ट जो है, ओके, हमार न्यूमेरिकल पार्ट जो थी वो सीट बाढ़ बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना आम बेसिके न्यूमेरिकल्स मैथमेटिक्स डील कर, ठीक है, सबते एक्सेप्ट बायोलॉजी, आमार फिजिक्स और केमिस्ट्री दूटाते कि हम आम डिटेल्ड एनालिसिस हम मैथमेटिकल एनालिसिस थाकिबो, ठीक है। सो रिगार्डिंग योर फर्स्ट ईयर सिलेबस, आई विल फर्स्ट क्लासिफाई योर केमिस्ट्री सिलेबस। केमिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली हमारे HS में तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। दे आर बेसिकली थ्री पार्ट्स इन केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। ये बेसिकली तीन पार्ट्स हैं ऑर्गेनिक के, जिन्हें हम HS के सिलेबस में डील करेंगे। केमिस्ट्री को इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। अब फिजिकल केमिस्ट्री ये क्या है, ये तो की है। सो फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर और लेस मैथमेटिकल, ओके, इट्स मैथमेटिकल, कंप्लीटली क्वांटिटिव, दिस क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री, ओके। एंड दीज टू पार्ट्स आर क्वालिटेटिव, ओके। क्वालिटेटिव मीन्स वी विल डिस्कस रिएक्शंस, एक्सप्लेनेशन, ओके, कॉन्सेप्ट्स, बट वेरी वेरी लेस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन दिस पार्ट, ओके। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन प्लस 11th सिलेबस यू विल गेट सम न्यूमेरिकल्स, ओके, बट दीज न्यूमेरिकल्स आर लिमिटेड टू फ्यू फॉर्मूलाज ऑनली, ओके। रेस्ट ऑफ द सिलेबस फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक does not contain any mathematics, okay. So basically chemistry is divided in mathematical chemistry and non-mathematical chemistry, okay. So overall this part will carry around 30-40% syllabus and it will contain around 60% of the entire chemistry syllabus, okay, got it. So this is the basic classification of chemistry syllabus that we have. Now in chemistry syllabus it's just like, you know, that how you have studied in your early childhood, okay. bachpan mein aapne kaise padha, to aapne sabse pehle alphabet sikha na, a b c aise humne z tak sikha, aur is alphabet seekhne ke baad humne kya sikha, humne usse words banana sikha, fir humne kuch words ko mila ke lines banana sikha, fir lines se humne paragraph, ठीक है ना, और पैराग्राफ से आर्टिकल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम एक वर्ड से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था और आज आप, हो सकता है कि आप एक आर्टिकल लिख पाए या एक पैराग्राफ या बड़े बड़े लेख लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेम गोज फॉर SMS और हिंदी, जिसे जो भी लैंग्वेज आता है। तो हमने SMS में भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट की है आमार हर्ण व्यंजन थके, ठीक है, एवला व्यंजन बिलाक थके आमी वर्णमाला शिकिब लागे, तार पिसत एतु शिकार पिसत आमी शब्द बिलाक बनाओ, तार पिसत आमार सेंटेंस कन्स्ट्रक्ट करा हाय, तेनेके आमार सिलेबस टू थके बा तेनेके आमार लैंग्वेज टू शिकाय। केमिस्ट्री इज वेरी वेरी सिमिलर, ओके। इयात आमार किसुमान बेसिक कन्सेप्शन्स आसे, किसुमान बेसिक बस्तु आसे, आमी फर्स्ट ए बेसिक बस्तु बिलाक कम्प्लीट करिम, শিখি লম, আমার বেসিক বস্তুবিলাক কি হব, বারে বারে আমাক লাগা হব, ঠিক আছে, আমার বারে বারে লাগি থাকিব বস্তুটো, ঠিক আছে। এবার আমার বেসিক্সখিনি ভালকে ক্লিয়ার হয়ে গেলে তারপিছত আমি বাকি সাবজেক্টটো ইজিলি পড়িব পাৰিম, ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি ইফ আই গো অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিলেবাস, सो सिलेबस मते आमार केमिस्ट्री सिलेबस आमी जेनरली NCERT बुक टू फॉलो करूँ,
কেমিষ্ট্ৰিৰ কাৰণে এটো বেষ্ট বুক হয় NCERT আৰু ইয়াত আমাৰ দুটা বুক আছে বুক 1 এণ্ড বুক 2 ওকে বুক 1 ইজ বেসিকলি ফর ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি দেয়ার আর থ্রি চ্যাপ্টার্স ফ্রম ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি বাট রেস্ট অফ দ্য চ্যাপ্টার্স আর ফ্রম ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি দ্যাট মিন্স বুক 1 বেসিকলি প্রাইমারিলি ডিলস উইথ নিউমেরিক্যাল কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বুক 2 কন্টেন্স ইনঅর্গ্যানিক অ্যান্ড অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি দ্যাট মিন্স বুক 2 ইজ কোয়ালিটেটিভ কেমিস্ট্রি ওকে সো ইন বুক 1 ফার্স্ট 3 অর 4 চ্যাপ্টার্স আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রম চ্যাপ্টার 2 চ্যাপ্টার 2 ইজ অ্যাটমিক স্ট্রাকচার ওকে সো অ্যাটমিক স্ট্রাকচার ইজ আওয়ার চ্যাপ্টার 2 অ্যাটমিক স্ট্রাকচার দেন উই হ্যাভ পিরিয়ডিক ক্লাসিফিকেশন and then we have chemical bonding okay so these three chapters are very very important in studying chemistry okay once you get an idea about these three chapters ye conceptions aapke clear agar ek bar ho jate hain acche se to baki ke chapters aapke liye kafi aasan ho jayenge ya baki ke chapters mein aap iska kafi acche se इस्तेमाल कर पाएंगे ठीक है तो ये बेसिक चैप्टर्स हैं जहाँ से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर इन तीनों चैप्टर्स में से एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगी और लॉजिकल चीज़ें भी मिलेंगी यानी कि क्वालिटेटिव चीज़ें भी मिलेंगी और हम दोनों को स्टडी करेंगे ठीक है तो इसके बाद जो बुक वन और बुक टू का बाकी डिटेल्ड सिलेबस है वो आप लोगों को धीरे धीरे मिलता जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे तो सारे चैप्टर्स जो हैं वन आफ्टर अनदर कंप्लीट किए जाएंगे ठीक है और आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी प्रैक्टिस कराई जाएंगे ठीक है तो ये हो गया आपका बेसिक सिलेबस का एक ओवरव्यू ठीक है और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे ठीक है ओके इसके पहले अब कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको ध्यान रखनी है ठीक है जो वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे कॉलेज की तरफ से तो आपको उन वीडियो लेक्चर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है उन्हें देखना है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज या डाउट्स आपकी होंगी आपकी रहेंगी तो आपको क्या करना है कि आपको जो रिलेटेड फैकल्टी है जैसे केमिस्ट्री के लिए मैं लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ तो आपको गूगल क्लासरूम पे जहाँ पे ये लिंक शेयर की जाएंगी वहाँ आपको हमारा पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया जाएगा तो जो भी क्वेरीज जो भी डाउट्स आपकी हैं वो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल पे या तो कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं और वहाँ टाइमिंग भी प्रोवाइडेड रहती है कि किस टाइम पर आप अपने क्वेरीज या डाउट्स को पूछ सकते हैं ठीक है तो कोई भी डाउट कोई भी क्वेरीज आप यहां से क्लियर कर सकते हैं ठीक है और आपको ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है टाइम टू टाइम इनको फॉलो करते रहना है सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है असाइनमेंट्स आपको टाइम पर सबमिट करनी है ठीक है और सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखना है देखिए अगर आप जैसे जैसे हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे अगर आप उस तरीके से अपने सिलेबस को कवर नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी इस भुलावे में ना रहें ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपने जिस तरीके से क्लास टेंथ में पढ़ाई की है द वे यू स्टडीड इन क्लास टेंथ और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इट्स टोटली डिफरेंट इन HS सिलेबस यू हैव टू गो थ्रू योर सिलेबस रेगुलरली ओके बिकॉज इफ यू मिस वन कॉन्सेप्ट देन इट विल क्रिएट अ वॉइड फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ओके जो एटा कोरोबात जो गैप थकी जाए आगत गई गैप तो आरो डांगर हो जाबो ठीक आछे आरो 11th सदा 11th स्टूडेंट बिलाके बहुत रिलीव्ड होय थाके बिकॉज सबे भावे जे बोर्ड एग्जाम नाय
सो इमान टेंशन नाय किन्तु क्लास 11 अर सिलेबस बहुत बहुत इम्पोर्टेन्ट है 11 ভালকে নপঢ়িলে ক্লাস 12ত কিন্তু বহুত দিগদার হয় বহুত স্টুডেন্ট আমি চাও ইহতে ক্লাস 12ৰ সাবজেক্ট বিলাক বা সিলেবাস বুজিয়ে নাপায় বিকজ 11ত ভালকে পঢ়া নাই সো ইউ আর স্টার্টিং এ ফ্রেশ সো আই সাজেস্ট ইউ দ্যাট ডোন্ট টেক ক্লাস 11 সিলেবাস ইজিলি গো থ্রু দেম ভেরি ভেরি স্ট্রিক্টলি ভেরি ভেরি কেয়ারফুলি বি ডিসিপ্লিনড অ্যান্ড থার্ড অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট We are providing video lectures, so you will get video lecture, you will get all the support, that means you can ask queries, doubts on WhatsApp by using, you know, you can call us, but at least from my side, since I am providing all the video lectures, I will not provide any notes, okay? I will not provide any written notes for the given lectures and why because I know if once I provide the lecture notes what you will do you will not go through your textbook okay and it's my strong suggestion that you go through your NCERT book very very carefully okay go through them seriously and thoroughly complete each and every chapter thoroughly okay and about notes You have to go through the chapters very very carefully thoroughly and you will note down important things and how you will know which thing is important which thing is not important so it's very very easy since we are preparing this video lecture so while preparing this video I will definitely you know pick out the important points यहाँ पे मैं बता ही दूंगा कि कौन सा चीज़ इम्पॉर्टेंट है कौन सा चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उन चीज़ों को आपको थॉरोली पढ़ना है नोट्स खुद से बनाने हैं आपका नोट्स अच्छा हुआ या नहीं हुआ इसका भी तरीका है आप नोट्स मेरे साथ शेयर करें उसमें अगर कुछ ऐड करना है कुछ एडिट करना है वो मैं करके आपको सजेस्ट करूँगा ठीक है सबसे अच्छा नोट्स वही होता है जो स्टूडेंट खुद बनाते हैं ठीक है क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप टेक्स्ट बुक को पूरी तरीके से पढ़ेंगे खुद से मैं अगर आपको नोट्स दे दूंगा तो आप सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे ठीक है तो टेक्स्ट बुक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैंडेटरी है आपको NCERT टेक्स्ट बुक को थॉरोली पढ़ना है इसके सारे एक्सरसाइज सॉल्व करने और उसमें मैं या हमारे जो भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं हम आपकी हेल्प करेंगे ठीक है तो यहाँ तक हमारा सिलेबस का इंट्रोडक्शन था ठीक है जो बेसिक तरीके हैं हमारे पढ़ाने के उनके बारे में ये वीडियो लेक्चर है ठीक है अब इसमें मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ ठीक है क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है मोल कॉन्सेप्ट एक पूरा का पूरा चैप्टर है हमारा जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है लेकिन फिलहाल मैं मोल कॉन्सेप्ट से सिलेबस को स्टार्ट नहीं करूँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करूँगा तो मैं सिर्फ सिंस मोल हमें बार बार यूज़ करना है इसीलिए मैं मोल के बारे में आपको बता देता हूँ ठीक है तो वन मोल का मतलब क्या होता है या मोल का मतलब क्या होता है तो मोल इज नथिंग बट ए नंबर ओके ये वन मोल जो है ये एक नंबर है और ये नंबर कितना बड़ा है यानी 6.022 × 10²³ 10³ का मतलब आप लोग आई होप आप जानते होंगे जैसे 10³ का मतलब क्या है 10³ का मतलब है 1 के बाद 3 जीरो आएंगे ओके इट मींस 1000 ओके तो यहां पे क्या होगा 1 के बाद 23 जीरो आएंगे सो इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर लार्ज नंबर 1 मोल एक बहुत ही बड़ा नंबर है ठीक है अब बात यहां पे आती है कि इस 1 मोल या मोल जो है मोल जो एक नंबर है इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है ठीक है इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये हमें क्यों चाहिए तो ये हमें किस लिए चाहिए क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें हम
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने क्लास 9 के सिलेबस में बेसिकली ये पढ़ा होगा या आप जानते होंगे कि एटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, जानते होंगे। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्लास है और ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पर 18 ml यानी कि 18 ग्राम बहुत कम होता है, ये बहुत थोड़ा सा पानी है, इतना सा पानी है हमारे पास, ठीक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इतने से पानी में हमारे पास, ठीक है, टोटल जैसे ऑक्सीजन 8, 2, 10 टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, 10 × 6.022 यानी बिलियंस 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 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं इतने से पानी में। जो ह्यूमन बॉडी, जो मेरे बॉडी को कंसीडर कीजिए या आपका अपना बॉडी जो है, हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि हम जिस सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं इसमें ये लार्ज बड़े बड़े नंबर्स जो हैं ये बार बार रीअपियर होंगे, ओके। इस नंबर्स के साथ हम बार बार डील करते रहेंगे, ठीक है। तुम्हारे घर जो वन टीस्पून सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो लिवा तातु बिलियन बिलियन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आसे, जस्ट वन टीस्पून फुल ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स कॉमन सॉल्ट आई मीन टू खाऊं, तात बिलियंस बिलियंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आसे, ठीक है, बिलियंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स आसे। तार माने केमिस्ट्रीत আমি সৰু সৰু চেম্পল ল'লেও তাত বিলিয়নছ বিলিয়নছ মলিকিউল বা এটম বা ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন থাকিব। চ' আমাৰ কেলকুলেশ্যনবিলাক সদায় বহুত ডাঙৰ হ'ব, বহুত ডাঙৰ, বহুত বহুত এটম মলিকিউল লৈ হ'ব। চ' সেইটো বাৰে বাৰেতো আমি ইমান জিৰ' লিখা বা ইমান 6.022 লিখাটো আমাৰ টান হয়, সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, এটা ইমান ডাঙৰ নাম্বাৰ এটাক আমি এটা ভেল্যু দি দিছোঁ, 1 mole। যেনেকৈ তোমালোকে এনেকুৱা বস্তু আগতো পাইছা, ঠিক আছে, মিলা হে আপলোক আগে জেসে 10³, ঠিক আছে, আপ জানতে ইসকে লিয়ে এক সিম্বল হ্যাঁ, ইসে হাম বলতে হ্যাঁ 1K, জেসে 10³ গ্রাম ইকুয়াল টু 1 kg, দ্যাট মিন্স 1 kg, 10³ গ্রাম ইজ ইকুয়াল টু 1 kg, দ্যাট মিন্স ফর 10³ 1K stands for 10³, okay? Similarly, if you have 10⁶ of anything, then it stands for mega, mega, okay? Similarly, we use this kind of simple representations, okay? Like if anything has 10⁻², suppose meter, then we know that this is 1 cm, okay? For this minus we have used 1 cm, okay? And since it was in meter, so it becomes centimeter. If it would be a gram, then it would have become centigram, centiliter, okay? You can change any unit by just placing a centi or kilo, mega, okay? So this way, so what mega, kilo, centi represents? Kilo, mega, centi, ये क्या represent कर रहे हैं? ये just एक number को represent करते हैं। कौन से number को? 10³, 10⁶, 10⁻², and so on. Similarly, अगर आपके पास कभी भी ये number है या इसका multiple है या इसका fractional multiple है, तो ये नंबर से रिलेटेड कोई भी नंबर जब आएगा तो उसे हम क्या कर सकते हैं, 1 mole कह सकते हैं। जैसे 1000 को हम 1 kg कह सकते हैं, वैसे इस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, 1 mole, ओके। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड 1 mole, ओके। और इसका इस्तेमाल हम धीरे धीरे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, नेक्स्ट क्लासेस में करते जाएंगे, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक अगेन।
okay, go through video lectures carefully. Thank you.